क्या हो अगर आप एक सिंपल सी टेक्निक को आजमा कर अपने यार जल्दी से बढ़ा सके, क्या ऐसा हो सकता है? मैं कहूँगी हाँ ऐसा हो सकता है, बस इसके लिए नियम यही है कि आपको इसे रेगुलर करना है। तो इस वीडियो को अंत तक देखना ताकि आप इस टेक्निक को पूरी तरह से समझ पाए। हम यूट्यूब पर हाइट बढ़ाएं कि कोई भी वीडियो देख ले, उन सब में एक ही बात बोली जाती है, अपनी डाइट अच्छी ले, प्रोटीन वाली चीजें खाए, अच्छी नींद ले, योगा करे वगैरह वगैरह। पर दोस्तों ये बातें तो ठीक है, पर इसके अलावा एक ऐसी टेक्निक है जो आपकी हाइट बढ़ाने में बहुत ही मदद कर सकती है। अगर आप इस टेक्निक को सिर्फ 3 महीनों के लिए भी करते हो ना, तो आपकी हाइट में बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। अब ये टेक्निक कौन सी है, इसके बारे में जानने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि आप अपनी हाइट बढ़ाने के बारे में बार बार सोचते हैं और टेंशन लेते हैं। आप पूछ रहे हो कि ये कैसा सवाल है, डेफिनेटली हम टेंशन लेते हैं, तो बस आप यही गलती करते हैं। आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे जो अपनी हाइट को लेकर कुछ भी सोचते नहीं है कि हाइट बढ़नी है तो बढ़े वरना कोई बात नहीं। ऐसे लोगों की हाइट बहुत तेजी से बढ़ती है। जो लोग अपने जीवन में पॉजिटिव रहते हैं और उनको हाइट बढ़ाने की कोई चिंता ही नहीं होती, इसलिए ऐसे लोगों की हाइट ज्यादा तेजी से बढ़ती भी है। और हमारी हाइट बढ़ाने की टेक्निक भी यही से शुरू होती है। हाइट बढ़ाने की इस टेक्निक को जानने से पहले आपको इस बात को जानना बहुत ही जरूरी है। आपको पता है कि काम करने के नजरिए से हमारे दिमाग के 2 भाग होते हैं, एक होता है चेतन मन और दूसरा होता है अवचेतन मन, जिसे इंग्लिश में कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है। ये जो कॉन्शियस माइंड होता है वो हमारे कंट्रोल में होता है। हम जागते हुए जो भी देख सुन और समझ पा रहे हैं वो कॉन्शियस माइंड की वजह से ही हो रहा है। जब हम सो जाते हैं तो ये भी सो जाता है, पर ये जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। जब हम सो जाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड तब भी जगता है। हमें जो सपने आते वो इसी की वजह से आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का सिर्फ 5% इस्तेमाल करता है और जो ये सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हमारे दिमाग का 95% इस्तेमाल करता है, जिसमें आपकी फीलिंग, बिलीफ सिस्टम, यादें, अनुभव और भी बहुत सारी चीजें जो स्वचालित है, ये सभी चीजें आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। चलिए मैं आपको इस बात को एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। जब भी कोई व्यक्ति पहली बार बाइक चलाना सीख रहा होता है तो उसे उस बाइक को ध्यान से कंट्रोल करना होता है। शुरुआत में वो व्यक्ति संतुलन नहीं बना पाता और थोड़ा डरा हुआ भी रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो बाइक चलाना सीख जाता है तो अब उसे बाइक को कंट्रोल करने के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं होती। अब बाइक अपने आप कंट्रोल हो जाती है और अब तो वो अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए या कोई और काम करते हुए भी बाइक चला सकता है। तो ऐसा क्यों होता है? जब शुरुआत में व्यक्ति पहली बार बाइक चलाना सीख रहा होता है तो वो अपना चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन जब वो बार बार बाइक चलाने की प्रैक्टिस करता है तो अब यह अनुभव उसके अवचेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड में संग्रह स्टोर होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे हमारा कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड की जगह ले लेता है। इससे पता चलता है कि हमारे हर एक विचार का हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। या ये कह सकते हैं कि हम जो कुछ भी सोचते हैं या करते हैं उससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होती जाती है और फिर बाद में धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड उस काम को कंट्रोल करने लगता है। अब आप सोचोगे कि भाई हाइट का और इसका क्या लेना देना है, तो मैं आपको बताता हूँ। हम जो कुछ भी सोचते और बोलते उसका सीधा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। अगर आप सोचते हैं कि मैं ये काम कल कर लूंगा तो ये छोटा सा विचार आपके काम को कल पर टालने की आदत बना देता है। ऐसे हम अगर हमारे दिमाग को रात को सोने से पहले जब हम आधा सोए और आधा जागे हुए अवस्था में होते तब हम तैयार होते अपने अवचेतन मन में उन विचारों को डालने के लिए जिसे हम अपने जीवन में प्रदर्शित करना चाहते हैं। इस टाइम पर आप जो भी सोचोगे, जो भी मन में विचार लाओगे और जिन विचारों के साथ रात को सोने की कोशिश करोगे, वो सारी चीजों को आपका दिमाग साकार करने की कोशिश करने लगेगा। इसलिए सोने से पहले आपको अपने आप को सिर्फ ये बातें बतानी है कि मेरी हाइट बहुत तेजी से बढ़ रही है, मेरे बिना किसी एफर्ट के नेचुरल तरीके से मेरी हाइट बढ़ रही है, मैं एक ऐसा जीवन जी रहा हूँ जो मेरी हाइट बढ़ाने में बहुत ही मदद कर रहा है, मैं हर समय खुद को लंबा होता हुआ महसूस कर रहा हूँ, मैं सोते हुए भी बढ़ रहा हूँ और हर कोई मेरी लंबी हाइट देखकर आश्चर्यचकित हो गया है, मैं एक अच्छा सुंदर और शांत इंसान हूँ। दोस्तों आपको बस यही बातें रात को सोने से पहले मन में बोलनी है। इसके अलावा आपको एक नोट पे ऊपर मैंने आपको जो अफर्मेशन बताई वो लिखनी है कि मेरी हाइट बहुत तेजी से बढ़ रही है, मैं एक अच्छा सुंदर और शांत इंसान हूँ वगैरह वगैरह। ऐसा आपको दिन में 10 बार लिखना है और इसे आपको कंटिन्यूसली 45 दिनों के लिए करना है। इसके साथ ही आपको सुबह वॉकिंग और कुछ एक्सरसाइज भी करनी है। इससे आपको बहुत ही जल्दी अपनी हाइट में चेंजेस देखने शुरू हो जाएंगे। और ये सिर्फ मैं बोल नहीं रहा हूँ, कई लोगों ने इस टेक्निक को आजमा कर अपनी हाइट बढ़ाई है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी हाइट छोटी भी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई। कई ऐसे लोग हैं जिनकी हाइट छोटी है पर उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल किया है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर का ही एग्जांपल ले लीजिए आप। इनकी हाइट छोटी होने के बावजूद आज इनका क्रिकेट जगत में एक अलग ही नाम है।
इसलिए दोस्तों हमेशा पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि हमारे छोटे से छोटे विचार का हमारे शरीर और हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचिए। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में डिटेल में बताया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपकी लाइफ में मेरे इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू ऐड हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल कीप ग्रोइंग।